सीटेट वर्ष 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया, जिसमें स्टेशन रोड स्थित सरस्वती कंपटीशन क्लासेस का दबदबा एक बार फिर से कायम रहा। सरस्वती कंपटीशन क्लासेस की फैकल्टी के अनुसार वर्ष 2021 की सीटेट परीक्षा परिणाम में सरस्वती कंपटीशन क्लासेस का परिणाम शानदार रहा। सरस्वती कंपटीशन क्लासेस की फैकल्टी के अनुसार सीटेट की परीक्षा में 175 से ज्यादा छात्र छात्राएं सफल रही। 100 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने 110 अंक हासिल कर शानदार सफलता हासिल की है। सरस्वती कंपटीशन क्लासेस की फैकल्टी के अनुसार मीनाक्षी गुप्ता ने सर्वाधिक 28 अंक हासिल किए हैं। सीटेट की परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं ने सफलता का श्रेय सरस्वती कंपटीशन क्लासेस की फैकल्टी को दिया है। अंतिम छह एक ही बात से हमारे। मेरा नाम प्रियंका चौहान है। आप किस कोचिंग में पढ़ रही हैं? मैं सरस्वती कंपटीशन। सीटेट का रिजल्ट आउट हुआ है, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? मेरा 110 है, तो दोनों मेरा क्वालिफाई हो गया है, जूनियर और। अच्छा, बात करें सरस्वती कंपटीशन क्लासेस की जो फैकल्टी है, किस तरीके से इसने तैयारी कराई थी जो इतने शानदार मार्क्स आए हैं आपके? सर, जो भी रिजल्ट मेरा है वो कोचिंग की वजह से ही है। सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोगों को इस शिखर तक पहुँचाने के लिए। तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, एटमोसफियर काफ़ी अच्छा है, मतलब टाइमली टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, और क्लास टेस्ट या मंथली टेस्ट हर तरह से, और रेगुलरली जैसे जो भी लर्न करने को दिया जाता है सुनते हैं प्रॉपर्ली, और बिल्कुल एकदम सब टाइम वाइज और सीखकर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा। सफलता का श्रेय किसे देंगे सर? अभी ऐसी बात है, कोचिंग को ही दूंगी, जो भी तैयारी की है यहीं से की है। सर, हमारे यहाँ होता क्या है कि हम लोग बच्चों के साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं और उन नोट्सों को बराबर लगवाते हैं। जैसे टीचर ने दो नोट्स दिए, एक हम लगवाते हैं, बच्चे को दूसरा नोट्स लगवाने के लिए कहते हैं। अब जो बच्चे लगाते हैं उनके जो बचे हुए सवाल होते हैं दोबारा भी कराते हैं, और साथ साथ उनके लिए हम लोग प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे वीक होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लास भी प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे उनकी कोई भी समस्या होती है तो उन्हें अलग लेके समझाते हैं कि बेटा आपकी ये समस्या है, उसे अलग से पास आउट कराते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमित सक्सेना। आप सरस्वती कंपटीशन क्लासेस की फैकल्टी हैं यहाँ पर? यस सर। किस तरीके का सीटेट का रिजल्ट रहा है? सीटेट का रिजल्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहा है, 175 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के अभी तक जो कॉल आई है, अभी इतना ही जल्दी और लोगों के कॉल आ रहे हैं वो पास आउट हो गए हैं, और मैक्सिमम बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 110 से प्लस आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट। किस तरीके से खास तैयारी कराई थी आपने बच्चों को जो इतने अच्छे बेहतरीन मार्क्स आए उनके? हम लोगों के में खास तैयारी एक चीज़ जो हमारी मेहनत रंग लाई कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के OMR बेस्ड टेस्ट भी लेते हैं, जिससे कि बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में कतई डिप्रेशन में ना जाए। वो चीज़ बहुत मेहनत लाई कि OMR पे बच्चों ने टेस्ट दिए, हम लोगों ने सेक्शनल उनकी कॉपियाँ चेक करी, हमको पता लगा कि कौन सा बच्चा मैथ में कमज़ोर है, कौन सा CDP में कमज़ोर है, फिर हमने उनको संडे टू संडे एक्स्ट्रा क्लासेस दी, और उसका आज नतीजा है कि वो बच्चे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा स्कोर कर दिया है CTET। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ जो शिक्षकों की टीम है वो बड़ी चुनिंदा टीम है। हम उन शिक्षकों के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं कि जो जिनमें पठन पाठन की खुद की प्रक्रिया कमज़ोर हो। यहाँ पर जो अनुशासन की बात करें, हम स्टूडेंट से लेकर के टीचर तक को अनुशासन में बांध के रखते हैं, समय का विशेष ध्यान रखते हैं, और समय समय पर छात्रों की जो परीक्षा कराते हैं हम वो उसी पैटर्न पर कराते हैं जिस पैटर्न पर आयोग कराता है। जिनमें कमज़ोर छात्र होते हैं तो उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके बेहतर रिजल्ट के लिए उन्हें तैयार करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि छात्र का हम उस तरीके से आकलन करते हैं कि इसके अंदर की कमजोरी कहाँ पर है। तैयारी का जो हमारा श्रेय है, इतना रिजल्ट जो बेहतर रहता है उसका श्रेय जो है वो यही सब मायने रखता है कि हम छात्र के अंदर की वीकनेस को पहले पकड़ते हैं, उसके बाद अपने अध्यापकों को बताते हैं और अध्यापक से कहते हैं कि इस पैटर्न पर तैयारी कराइए।